हाथरस सत्संग में उजड़ा संसार, मच गया हाहाकार, बिछी लाशें, अब भीड़ जुटाने वाले बाबा पर होगा एक्शन। हाथरस में मौतों का वो खौफनाक पल, जब बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए लेट गए लोग और फिर बिछने लगी लाशें। सत्संग आयोजकों पर कड़े एक्शन की तैयारी, भोले बाबा के खिलाफ भी होगी कार्यवाही। हाथरस में हो गया बड़ा हादसा, 121 मौतों का खौफनाक पल, हैरान रह गए सब। हाथरस हादसे के बाद बाबा पर अब होगा तगड़ा एक्शन, आगरा में होने जा रहे सत्संग पर लग गई रोक। भोले बाबा के सत्संग में मौत का तांडव, दरबार में ही लग गया लाशों का अंबार। बड़े एक्शन की तैयारी सीएम योगी ने अब कर ली है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरी घटना कैसे हुई। हाथरस के सत्संग में प्रशासन ने 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी। आयोजकों ने मिली अनुमति से कई ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने दिया। इस वजह से जब भगदड़ मची तो प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर पाया। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ में करीब करीब 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार दम तोड़ रहे हैं। इस घटना को लेकर अब मामला भी दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के दौरान जो तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मामले की जांच में जुटे अधिकारियों के अनुसार भीड़ उस वक्त अनियंत्रित हुई थी जब वहां मौजूद श्रद्धालुओं में बाबा के चरण रज व पैर छूने की होड़ लग गई थी। हर श्रद्धालु किसी तरह भी बाबा के पास पहुंचना चाह रहा था, इसी वजह से एकाएक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ जिसमें अभी तक 121 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पताल में जारी है। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने एडीजी और कमिश्नर से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बता दें कि इस हादसे की सूचना के तुरंत बाद ही मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार घायलों से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का भी दौरा किया था। इस हादसे को लेकर अभी तक जो जांच हुई उसके मुताबिक एसडीएम ने इस सत्संग का आयोजन कराने वाले आयोजकों को सशर्त इसकी अनुमति दी थी, लेकिन अभी तक इसकी जांच में पता चला है कि आयोजकों ने प्रशासन के द्वारा रखी गई शर्त को नहीं माना। हम आयोजकों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को बेहतर और सही इलाज मिल सके। इस हादसे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। इस घटना में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें सरकार की तरफ से 2-2 लाख रुपए, जबकि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इतनी ही राशि केंद्र की ओर से दी जाएगी। इस हादसे की अभी तक की जांच में यह पता चला कि आयोजकों ने प्रशासन को बताया कि सत्संग में 80,000 के करीब भीड़ जुट सकती है। प्रशासन ने इतने लोगों के हिसाब से आयोजन करने की अनुमति दी, लेकिन जांच में अभी ये बात निकल कर आ रही है कि सत्संग के दौरान 80,000 से कई ज्यादा लोग मौजूद थे। सत्संग के आयोजन के दौरान किसी तरह की अफरा तफरी न मचे इसके लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। जांच में पता चला कि प्रशासन ने अनुमति देते समय कुछ शर्तें रखी थी जिन्हें बाद में नहीं माना गया और आयोजकों ने उनका उल्लंघन भी किया और यही वजह रही कि इतना बड़ा हादसा हो गया और इस दौरान लाशों का अंबार लग गया। फुलवाई गांव में हाईवे से सटी जगह पर भोले बाबा का ये कथित सत्संग आयोजित किया गया था। आयोजकों ने इसके लिए काफी बड़ा पंडाल भी सजाया था, लेकिन बड़ी बात ये कि आयोजकों ने ये सत्संग एक ही दिन के लिए बताया था, लेकिन इस दौरान भीड़ इतनी जुट गई कि सत्संग को ज्यादा दिन के लिए आयोजित करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। दोपहर 12 बजे स्वयंभू संत भोले बाबा पहुंचे, उनकी जय जयकार हुई। बाबा को अपना आराध्य मानने वाले अनुयायियों में कई पुलिस वाले भी शामिल थे जो हाथ उठाकर बाबा के जयकारे लगा रहे थे। अनुयायी बेकाबू ना हो जाएं इसके लिए गुलाबी ड्रेस में बाबा के सेवादार भी तैनात थे। सूत्रों की माने तो बाबा मैनपुरी के आश्रम में छिपा है। पुलिस इस पर हाथ डालने से पीछे हट रही है, जिसके सत्संग में आए लोग काल के गाल में चले गए, वो इस आश्रम में छिपा बैठा है। यहाँ काफी संख्या में उसके अनुयायी भी जमा है। नारायण हरि की एक खासियत है कि वो भगवा वस्त्र नहीं पहनते हैं, बल्कि सफेद सूट और टाई पहनना पसंद करते हैं। उनका
दूसरा पसंदीदा परिधान कुर्ता पैजामा है। अपने प्रवचनों के दौरान वो कहते हैं कि उन्हें जो दान दिया जाता है उसमें से वो कुछ भी नहीं रखते और सब कुछ अपने भक्तों पर ही खर्च कर देते हैं। हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर तैनात हुए मनोज कुमार सिन्हा ने भी कहा कि भीड़भाड़ हादसे के पीछे एक कारण है। बाबा के वाहन के पीछे अनुयायी दौड़ने लगे, उनके जाने के बाद लोग वहां की मिट्टी लेकर पूजते हैं, नतीजन लोग झुकने लगे और गिर गए, जिससे भगदड़ मच गई। कार्यक्रम के लिए आवेदन में श्रद्धालुओं की संख्या 80,000 बताई गई। मौके पर कई अधिक ज्यादा भीड़ थी। बाबा के चरणों की रज लेने के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अब बाबा पर तगड़े एक्शन की तैयारी में योगी आदित्यनाथ हैं। देखने वाली बात यह होगी कि बाबा पर आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।